अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे आलू बैंगन। झटपट से और जल्दी से तैयार होने वाला और बहुत कम मसाले जिसमें ऐड होते हैं। तो चले आए, हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम बैंगन की कटिंग कर लेंगे। पहले ये डंडियों समेत ही करनी है हमने, और ये पानी में कट करने, ताकि बैंगन अगर हम बाहर रखते हैं ना, जब तक प्याज ब्राउन होंगे तो ये ब्लैक हो जाते हैं इनके किनारे, क्योंकि इसमें भी आयरन होता है। ये इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। राई बैंगन जो होते हैं वो फ्राई करके बनते हैं, लेकिन ये हम वैसे ही बनाएंगे। इतने ज़्यादा बिल्कुल इजी और आसान तरीके, कोई ज़्यादा यहाँ तक के टमाटर भी इसमें ऐड नहीं करूँगी मैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आप खुद बना के देखना कितने आसान और इजी रेसिपी और कितनी मज़े की बनती है। बैंगन की कटाई हो गई, अब हम ये काट लिए बैंगन। अब ये हम आलू भी इस तरह से काट लेंगे, थोड़े बड़े बड़े पीस हों। देगची में ये ऑयल डाल देंगे पहले हम। बैंगन में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, क्योंकि बैंगन थोड़े फ्राई नहीं हो फिर ही है। इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डालना। आयल गरम हो गया, अब इसमें डालते हैं हम जीरा। सिर्फ जीरा जाएगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। जीरा ब्राउन हो गया, अब इसमें डालेंगे ये प्याज और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची बारीक नहीं काटनी, हाफ हाफ आप कर लें। और प्याज को लाइट ब्राउन रखना है, ताकि सब्जी का कलर बिल्कुल खिला खिला आए। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया, अब हम इसमें, मैंने ये पानी में डाले हुए थे बैंगन और आलू, उसको मैंने छन्नी में छान लिया। अब इसमें डालेंगे, और साथ ही इसमें शरबत, एक लाल मिर्ची और एक हरी मिर्ची डाल देंगे। नमक हसबे जायका, ये मैंने हाफ चम्मच डाली है इसमें नमक की। लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि बैंगन तीखे ही बने तो अच्छे लगते हैं। और ये दड़ा मिर्च, हल्दी। आपने देखा कितने मुख्तसर से मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इन मसालों को हिला लेना अच्छी तरह से, मिक्स कर कर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और थोड़े से बैंगन भी फ्राई हो जाएंगे आयल में। अच्छी तरह से सारा मसाला मिक्स हो गया, अब इस पे ढक्कन देके हम बंद कर देंगे। ये एक बार हम इसे ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि ये पानी डाला नहीं था। अच्छी तरह से आराम से हिलाएं, ताकि बैंगन टूटे ना। बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और आयल भी छोड़ती है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। आलू भी गल गए, ये देखिए बगैर पानी के ये आयल आ गई है ना। अब हम इन्हें करते हैं डिश आउट, और उससे पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी सूखा हरा धनिया, कुटा हुआ धनिया पहले मैंने, और काली मिर्च, गरम मसाला इसमें नहीं डालना मैंने, ये ठीक। और बस मैं इसमें डालूंगी जीरा, पिसा हुआ जीरा, हरा धनिया और मिर्ची। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे करते हैं डिश आउट। आलू बैंगन का सालन झटपट से तैयार हो गया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।